थोड़ा नीचे कर लो। ये शिरा कोई लेन दे मैं सब के सुनाऊंगा। अच्छा ठीक होई नहीं आज दम त्रोड़ी गई 2 महीने बच्चा मैं के सुना मी निन्नू का कभी सुनाएगा मारी कुड़ी मी के सुनाई गई होनी मैं तो है बच्चा सारा के सुनाई होती मैं टूट गई रिया। तू कोई बात नहीं हिम्मत रखो आप हिम्मत रखो। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता रहा नहीं नहीं मी का कभी सुनांदी नांगना मां मैं डीगा सिंगरियां दे मां मैं डीगा मैं कब चली सुई है मी सुना नहीं मां मैं डीगा हां मां लाश तो ने तेल संटे अपने अंदर से लिए मरी गई मेरा ने सिलेंडर फटिया नहीं सिलेंडर फटिया तेल लगे ना सड़ी हूँ मेरा कोई रिश्ता ना होंगे ना रेदा ने इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का मेरी बच्ची इंसाफ मिलना चाहिए। कोई बात नहीं हिम्मत रखो इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए आप बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी के बाहर प्रिया शर्मा को आखिर क्या हुआ परिवार वाले एलिगेशंस लगा रहे हैं। इसका बच्चा है ना इनके घर में नहीं बच्चे को मैं रहने कितनी देर का बच्चा को 1.5 साल का है। अच्छा 2 साल का इनको नहीं देना है बच्चा बच्चा मैं उसकी तो अब आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चा बच्चा मैं अपने पास रखना मैं उसकी निशानी रखनी है। अच्छा अपने पास रखना इनको नहीं देना। कोई लड़ाई झगड़ा होता था इनका लड़ाई झगड़ा होता था। एक बार मैंने जुआई को मैंने मना किया मेरे को पता चला मेरी लड़की को मारता है मैंने उसको मना किया मेरी लड़की को मारना मत। फिर क्या बोलते वो बोलता ये इसका दिमाग ठीक नहीं है ये नहीं है वो नहीं है दिमाग उन्होंने मार मार के उसका दिमाग सेट नहीं रहने दिया। क्यों मारते थे कोई वजह तो होगी पीछे मार क्यों मारते थे दारू पीता था रात अच्छा दारू पी के मार दारू पी के मारना जब रात को आना काम करके जाना रोज मारना उसको पूरे घर का उनका काम करती थी हर चीज का काम। किसने किया था फोन पता नहीं उन्होंने घर पे किया था घर वाले मेरे को मेरे को किया जब घर वाले मेरे को फोन किया जब मेरे को बोले ने हॉस्पिटल ऐसे ऐसे हो गया मैं नॉर्मल काम कर रहा था काम करते करते छोड़ के भाग के इधर आ गया। जब इधर आया आगे जल्दी जल्दी पहुँच के इन्होंने आगे एडमिट करा दिया। जब मैंने उसका पूरा शरीर देखा ये उसकी पूरी बॉडी थी ये देखना इधर देख लेना इधर से लेके ये गला ये पूरी छाती ये जो लत्ता बाएँ पीठ जो भी है उसका पूरा शरीर जो 40% जो वो सड़ चुकी थी जी। तो जो ससुराल वाले वो क्या कह रहे हैं कि लड़की ने खुद किया है वो ससुराल वाले जो कह रहे हैं खुद किया है वो क्या कह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की खुद को जलाया है खुद को जलाया है। तो कभी लगता है आपको तो आपको लगता है कि आपकी बेटी कभी ऐसी हरकत कर पाएगी? नहीं नहीं कर पाएगी। मेरी लड़की बोल उसने बैग में कपड़े डाले अपने बैग में कपड़े डाले और कपड़े अपने पैक किए पैक करके अपने बच्चे को लिया वो अपने मायके आने लगी। जब वो मायके आने लगी जब जो उसका छोरा था छोरे ने क्या बोला बेटा उसके पाँव फड़ लिए बेटा नहीं जाना अगर वो बाप नहीं उसका जो ससुराल था जी, वो जी, नहीं रोकता था तो मेरी बेटी आज बची हुई थी कि बेटी ने मेरे घर पे चला जाना था जो उसका गुस्सा गस्सा था वो खत्म हो जाना। पहले भी तंग करते थे पहले भी तंग करते थे किस चीज़ को लेकर तंग करते थे दारू पीता है जो जुआई है मेरा जुआई दारू पी के उसको मारता पीता था। जुमाई आपका करता क्या है ऐसे वो ग्रिप की गाड़ी चलाता है। अच्छा तो जब लड़की आपको लड़की ने आपको बताया कि मेरे को ये तंग करते थे पहले लड़की पता नहीं कि लड़की मेरे को नहीं बताती थी। अच्छा क्यों नहीं बताती थी वो भी मैं कारण बताता हूँ क्यों नहीं बताती थी मैं था गरीब मैं गरीब था मैं कुल्ली का काम करने वाला बंदा था मैं गरीब था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे वो पर्चा पुर्चा कराना या दूसरा जो फिरना टोरना जो है मैं नहीं कर पाता था मेरे पास पैसे नहीं थे। पहले मैं बड़ी मुश्किल के 10-10 रुपये के उधारे किसी से मंग मांगे किसी ने 5,000 दिया किसी ने 2,000 दिया मैं गरीब था गाँव में सब ने मेरी मदद किया। मैंने 2 लड़की थी एक तो मर गई 2 लड़की थी दोनों की मैंने शादी कर दिया ऐसे मांग मांग के किसी ने 500 दिया किसी ने 5,000 दिया किसी ने मेरे को 10,000 दिया हिम्मत रखी मैंने लड़की की शादी कर दिया। जब मैं लड़की की शादी कर दिया ससुराल वाले उसको एक दिन भी उसको सुख नहीं रहने दिया ना उसी की सास ने ना उसके घर वाले ने ना उसके देर ने ना उनके ननाने ना उनके ननुए किसी ने जो भी उनकी फैमिली पूरी थी ना किसी ने भी मैडम उनको चैन एक दिन नहीं मेरी लड़की को मिला एक दिन भी चैन। उनके घर से कोई आया हुआ अभी हैं उनके घर से कोई नहीं आया हुआ अभी घर में वो उसका वो जुआई आया हुआ साथ में एक उसका ननुइया साथ में कहाँ पर है अभी इधर ही है। चलिए आपके साथ कौन कौन आया और
वो मेरी घर वाली बैठी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। उनसे भी बात सीख और ये लड़की की माता जी है।